अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे सिहाब भाई के बारे में। सिहाब भाई कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं? सिहाब भाई ने आज अपना ये सफ़र शुरू किया या नहीं किया? अगर आज सिहाब भाई ने अपना ये सफ़र शुरू कर दिया तो वो इस वक्त कहां पहुंचे? अगर आज भी सिहाब भाई ने अपना ये सफ़र शुरू नहीं किया है तो वो इस वक्त कहाँ हैं? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिहाब भाई पाकिस्तान में अपने सफ़र को अंजाम दे रहे हैं, तो दोस्तों आज बात करेंगे कि सिहाब भाई की आज की पाकिस्तान की क्या लाइव लोकेशन है, क्या लाइव अपडेट है। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आप हमारी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, हर तरीके की अपडेट सिहाब भाई की आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी कि सिहाब भाई आगे अपने इस सफ़र को किस तरीके से अंजाम देंगे। दोस्तों आज बात करेंगे मोहम्मद सिहाब भाई के बारे में कि मोहम्मद सिहाब भाई का सफ़र इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किस जगह पर मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद सिहाब भाई को इस वक्त अपने इस सफर पर अपने घर से चले हुए तकरीबन 254 दिन का एक लंबा वक्त बीत चुका है। दोस्तों 254 दिन पहले सिहाब भाई ने अपना यह सफर शुरू किया था, ये सोच करके कि आने वाले 2023 के हज को मैं अदा करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मैं आपको बता दूं, अब बात करें सिहाब भाई की आज की लाइव लोकेशन की, आज की लाइव अपडेट की। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 10 फरवरी। तो मेरी अजीज दोस्तों साथियों, सोशल मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लाहौर से आगे एक गांव पड़ता है, एक शहर बोल लीजिए, ये पड़ता है जड़नवाला। यहां पर सिहाब भाई इस वक्त अपने सफ़र को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि सिहाब भाई ने चाकनो एक जगह पड़ती है वहाँ से निकल गए हैं और सिहाब भाई का सफ़र इस वक्त ईरान इराक की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, फैसलाबाद के शहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, बस आप सभी से यह अपील है कि आप सब मोहम्मद सिहाब भाई के बारे में दुआ करते रहिए, जितनी हो सके इतनी इनके हक में दुआ की जाए ताकि सिहाब भाई अपने इस सफ़र को जल्द से जल्द शुरू करते रहें और अपनी इस मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएँ। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद सिहाब भाई का सफ़र आज पाकिस्तान के अंदर चले हुए तकरीबन 4 से 5 दिन का वक्त हो चुका है। मोहम्मद सिहाब भाई का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जारी है। दोस्तों सिहाब भाई अपने इस सफ़र को पाकिस्तान में भी रोज तय कर रहे हैं।